नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। एक दो तीन चार झूले लाल की जय जयकार। आयोजन झूले लाल बेड़ा ही पार सदाए शाहूकार। भगवान झूले लाल की गगनभेदी जय जयकार लगाते हुए चारों ओर सिर्फ केसरिया साफे बांधे हुए और उन पर होती पुष्प वर्षा अवसर था। शहर में भगवान झूले लाल के प्राकट्य दिवस चेटीचंद के उपलक्ष्य में सकल सिंधी समाज द्वारा मंगलवार को स्थानीय बापूनगर स्थित सिंधु धाम से निकाली गई अमर शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी सिंधु एकता यात्रा वाहन रैली का सिंधी समाज के प्रवक्ता मूलचंद बहरवानी ने बताया कि रैली में युवाओं का जोश देखते ही बनता है। वरिष्ठ समाज सेवी हेमंतदास भोजवानी के निर्देशन में सभी समाजजन ध्वज पातकालय लहराते हुए अपने अपने वाहनों से अनुशासित ढंग से चल रहे थे। इस रैली में पूर्व बापूनगर के आई सेक्टर स्थित हेमू कालानी पार्क में शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर हेमू तेरी बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, जब तक सूरज चांद रहेगा हेमू तेरा नाम रहेगा के नारों से शहीद का यशोगान भी किया गया। रैली का महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, पूर्व नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी, विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक, साई जामनदास, संत किशनदास, संत गोविंद राम पारी माता, सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष रमेश सबनानी सहित कई गणमान्य लोगों ने सिंधु धाम से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सुसज्जित विभिन्न वाहनों में सिंधी समाज के संत महात्माओं सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति सवार थे। रैली का शहर में कृषि मंडी व्यापारियों ने अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंदवानी के नेतृत्व में सहित कई संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। रैली पूरे नगर का भ्रमण कर नाथद्वारा सराय स्थित पूज्य दादा हेमराजमल भगत झूलेलाल मंदिर पहुंची, जहां पर भगत परिवार व कमल वेशवानी की ओर से स्वागत किया गया। रैली में सैकड़ों स्त्री पुरुष मौजूद थे। श्री माहेश्वरी समाज चारभुजा मंदिर ट्रस्ट भीलवाड़ा के तत्वाधान में फागुन की अमावस्या पर चारभुजा नाथ शहर भ्रमण के लिए दोपहर 4 बजे मंदिर प्रांगण से भक्तों संग होली खेलने निकले। इससे पूर्व बड़ा मंदिर में ट्रस्ट द्वारा शिखर पर ध्वजा अर्पण कर विशाल छप्पन भोग लगाया गया। दोपहर चारभुजा नाथ के जयकारे के साथ महाआरती, महाभोग लगाया गया। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। फूल डोल महोत्सव के तहत चारभुजा नाथ का बेवान रात पर भीलवाड़ा शहर में भक्तों के घर घर जाएगा, जहाँ परिवार वालों द्वारा आरती की जाएगी। फूल डोल महोत्सव के तहत शोभा यात्रा में आगे सजी धजी घोड़ियां बैंड बाजा के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई। चैत्र कृष्ण अमावस्या सवार सिद्धि योग मंगलवार को चारभुजा नाथ के बेवान का जगह जगह स्वागत कर चारभुजा नाथ के भजन के साथ भक्तों द्वारा चारभुजा नाथ के साथ गुलाल खेली। माहेश्वरी समाज चारभुजा मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित फूल डोल महोत्सव के तहत शोभा यात्रा बड़े मंदिर से प्रारंभ होकर धान मंडी, सांगानेरी गेट, दूधाधारी मंदिर पर विश्राम के बाद शहीद चौक होते हुए बदादा मोहल्ला, रायजी मोड़ा की गली, नाड़ी प्रातः 7:30 बजे बड़ा मंदिर पहुंचेगा। क्षेत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदी नववर्ष पर बेवान निज मंदिर पहुंचेगा, जहां ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष उदयलाल समदानी, रामेश्वर तोशनीवाल, कैलाश भदादा, चैनसुख समदानी, शिव गट्टानी, शिव तोशनीवाल शोभा यात्रा में सम्मिलित थे। छप्पन भोगन के आयोजन में अशोक भाईती, रमेश राठी, देवेंद्र सोमानी, सत्यनारायण डाट, गजानन बजाज सहित सभी ट्रस्टी उपस्थित थे।
स्वर्गीय रामेश्वर जाट की स्मृति में हलेड़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन भीलवाड़ा चारभुजा नवयुवक मंडल एवं समस्त हलेड़ ग्रामवासियों के तत्वाधान में स्वर्गीय रामेश्वर जाट की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन चारभुजा मंदन प्रांगण हलेड़ में रखा गया। हर पंचायत रक्त पंचायत अभियान के तहत आयोजित रक्तदान शिविर के लिए चारभुजा नवयुवक मंडल हलेड़ के समस्त कार्यकर्ता उत्साह के साथ रक्तदान कर रहे हैं। शिविर में 200 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया। पुत्र किशन जाट ने मां नंदू देवी की प्रेरणा से अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में रक्तदान की अनुकरणीय पहल करते हुए हलेड़ ग्राम में प्रथम बार रक्तदान शिविर का आयोजन रखा। सभी रक्तदाताओं को रक्तदाता पहचान पत्र एवं रक्तदाता सम्मान पत्र प्रदान कर सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया गया। रक्त संग्रहण रामस्नेही ब्लड बैंक द्वारा किया जा रहा है। आज हलेड़ गाँव में जाट समाज में एक अनूठी पहल हुई है। जो हमारे किशन जी हैं, रामेश्वर जी जाट के बच्चे हैं किशन जी, इन्होंने अपने पापा की 15वीं बरसी पर रक्तदान शिविर का जो आयोजन रखा है, अभी 10-10:30 बजे तक लगभग 21 यूनिट हो चुकी है। शाम तक लगभग 100 तक का टारगेट इनका। आज जाट समाज में एक अनूठी पहल हुई है, तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जाट समाज के अंदर कम से कम किसी के पिताजी की माँ की बरसी हो तो दूसरे आयोजन नहीं करके इस प्रकार के अगर आयोजन करें तो एक समाज में अच्छी पहल भी जाएगी। भीलवाड़ा के समीप हलेड़ ग्राम में स्वर्गीय रामेश्वर लाल जी जाट के पुण्यतिथि में उनका सुपुत्र किशन लाल के द्वारा अच्छी पहल है ये, और समस्त ग्रामवासी बढ़ चढ़ के रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं, और ये मानव हित के लिए बहुत ही अच्छा काम है। मैं किशन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरों को प्रेरणा मिले और अच्छी अच्छी। आज हलेड़ गांव में श्री चारभुजा नवयुवक मंडल एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से स्वर्गीय श्री रामेश्वर जी जाट की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन उनके सुपुत्रों द्वारा श्री किशन जी जाट एवं पूरे परिवार द्वारा एक अनुकरणीय पहल करते हुए एक छोटे से गांव में प्रथम बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें सभी ग्रामवासियों के साथ साथ श्री रामेश्वर जाट का सबके परिवारजन भी रक्तदान की पहल कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान की जो जागरूकता की जो हमारी मुहिम है, हर पंचायत रक्त पंचायत मुहिम, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदाताओं को जागरूक करते हैं, उन्हें जागरूक इसीलिए करते हैं कि वो रक्तदान करते हैं तो उन्हें मांगते ही रक्त उपलब्ध हो सके। इसलिए हमारी इस पहल में आप भी शामिल हुए। हम जन्मदिन पर पुण्य स्मृतियों में या शहीदों की जो पुण्य स्मृति होती है उसमें भी रक्तदान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को जागरूक करते हैं, और इस जागरूकता मुहिम में इसमें हमें लगातार सफलता मिल रही है। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन की ओर से मैं समस्त हलेड़ ग्रामवासियों श्री किशन जी जाट एवं श्री चारभुजा नवयुवक मंडल के सभी पदाधिकारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस अनुकरणीय पहल में रक्तदान को महादान किया कहा गया है, क्योंकि जब किसी जरूरतमंद को रक्त की आवश्यकता होती है, जब समय पर उनको रक्त मिल जाता है तो उनके परिवारजनों की एक बड़ी चिंता से मुक्ति मिल जाती है। खुशी परियोजना की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को किया गया। बैठक के दौरान हिंदुस्तान जिंक एवं केयर इंडिया की टीम द्वारा खुशी परियोजना के अंतर्गत पिछले 7 वर्षों में किए गए कार्यों की उपलब्धि पर चर्चा की गई। साथ ही खुशी परियोजना के पूर्ण होने की जानकारी सभी उपस्थित सदस्यों को दी गई। परियोजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण कर किए गए सर्वे के अनुसार आने वाले समय में परियोजना की रणनीति व कार्य योजना से जिला कलेक्टर आशीष मोदी व अन्य उपस्थित अधिकारियों को अवगत करवाया गया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने परियोजना द्वारा किए गए कार्य पर संतोष प्रकट किया तथा भविष्य में नई योजना के अंतर्गत क्षमता वर्धन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए परियोजना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए। साथ ही गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों के प्रबंधन कार्यक्रम को संचालित करने की सलाह दी। जिला कलेक्टर द्वारा एनीमिया के प्रबंधन के लिए रणनीति बनाने के निर्देश देते हुए खुशी परियोजना की गत वर्षों के कार्यों के आधार पर एक जिला स्तरीय कार्यशाला करने का भी सुझाव दिया। खुशी परियोजना की उपलब्धियों से संबंधित कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने हेतु बातचीत की गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, प्रशिक्षु IAS गौरव बुडानिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सहायक निर्देशक सत्यपाल जांगेड़, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निर्देशक नगेंद्र तोलंबिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुस्ताक खान, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण, हिंदुस्तान जिंक CSR टीम, केयर टीम इंडिया टीम के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक।
नव साल सत्र 2080 की सभी जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नव वर्ष सभी के लिए नई आशाएं एवं नई सफलता लाए। शुभेच्छु अरुणा दादीच, कुसुमलता दादीच, जिला महिला अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजेश दादीच एवं सुहाना दादीच। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूं। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना, इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवाल हो या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है, एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर। मैं आकाश बायजूस हूं। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग, आकाश बायजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग, आकाश बायजूस विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों पर शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. जैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। स्कूल विच इज इक्विप्ड विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज विच गिव ऑल ओवर डेवलपमेंट टू योर चाइल्ड। स्टिमुलस द थॉट ऑफ योर चाइल्ड्स माइंड। वी हैव हाईली स्किल्ड टीचर एंड कंफर्टेबल एनवायरमेंट ड्राइव्स योर चाइल्ड माइंड। हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराठे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जाँच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50-90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रूपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रूपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र 525 रूपए में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल, 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है।
हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूत पौच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांजलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगती, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधारकर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अयंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरियंत हॉस्पिटल अरियंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482-250-290-253-101। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर 26 मार्च को प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक अपना घर वृद्धा आश्रम आरसी व्यास कॉलोनी में आयोजित किया जा रहा है। MSDNB कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर अनिल जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ टीम द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। जिन मरीजों ने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इकोकार्डियोग्राफी, पेसमेकर, वॉल सर्जरी, बायपास सर्जरी, वेंटल, ASD, VSD कराया हो या जिनको करवाने की सलाह दी गई हो, उन मरीजों को इस शिविर में अवश्य परामर्श लेना चाहिए। शिविर में जांच पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन सहयोग ₹50। शिविर में डायबिटीज एवं दवाइयां और जांच निःशुल्क उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए महावीर समनानी, बालाजी सेल्स, रोडवेज बस स्टैंड पे किया जा सकता है। मोबाइल नंबर 9414262218। गौरव ऑप्टिशियन, सेवा सदन रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414473164। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। 21 मार्च प्रातः टंकी के बालाजी मंदिर प्रांगण से कोरोना महामारी, प्रकृति द्वारा ओलावृष्टि जैसी आपदाओं से बचने और भीलवाड़ा शहर की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना हेतु 21 श्रीमद् भगवद गीता महायज्ञ के आह्वान में पहला महायज्ञ बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ यज्ञाचार्य प्रदुमन दास महाराजा द्वारा संपन्न हुआ। ये महायज्ञ जन कल्याण हेतु श्रृंखलाबद्ध तरीके से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ समाज सेवा किशन व्यास के द्वारा कराया जाएगा। आज मुख्य जजमान वार्ड नंबर 15 की पार्षद नैना किशन व्यास रही। अनेक भक्तजन उपस्थित रहे। मुख्य रूप से श्रीमन हिनद शुक्ता, रामचंद्र मुंदड़ा, पूनम व्यास, किशन व्यास, दीपक वारेट, हरिदेव गुप्ता, हनी गुप्ता, मनोज शर्मा, जमुनानाथ आदि ने यज्ञ में आहुतियाँ दी। भागवत महायज्ञ श्री टंकी के बालाजी से शुभ प्रारंभ हुए और शहर में अलग अलग स्थान पे
अलग के मंदिर पे श्रीमद भागवत महायज्ञ है। जन कल्याण के लिए शहर के कोरोना महामारी के लिए इनके समृद्धि सुख समृद्धि के स्मृति के लिए यह यज्ञ प्रारंभ किया है। और श्रीमद भागवत महायज्ञ 21 यज्ञ अलग अलग स्थान पे बालाजी के मंदिर में शहर में हो गए। टंकी के बालाजी से इसको प्रारंभ किया है। आज जो सभी शहर के जन कल्याण सुख समृद्धि के लिए एक ये है शुभकामनाएं। जय बजरंग बली की। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से रामधाम में नवसंवत्सर पर्व के उपलक्ष में मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा चढ़ाई गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मानसिंगा एवं सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पंडित राम व सुशील शुक्ला द्वारा शिवालय में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा स्वास्तिक बनाकर ध्वजा चढ़ाई गई। टोल नगाड़े से राम रामेश्वरम भगवान के शिखर एवं शिव पंचायत मुख्य द्वार पर ध्वज चढ़ाया गया। नवसंवत्सर एवं 68वें वार्षिकोत्सव के तहत 22 मार्च को सुबह यज्ञशाला में वैदिक रीति एवं सजावट के साथ यज्ञ प्रारंभ होगा। रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से रामधाम में नव संवत्सर पर्व के उपलक्ष में ध्वजा चढ़ा करके नव संवत्सर चैत्री नवरात्र एकम से कल से रामायण पाठ का प्रारंभ होने जा रहा है। समस्त भीलवाड़ा वासियों से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में आप सब पधारे और पधार करके इस मानस गंगा का आनंद लें के भागी बने। और मैं पुजारी सुशील शुक्ला। 17 से 19 मार्च 2023 के मध्य मंजल ग्रुप साहित्यिक मंच के हर्ष विहार दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रथम दिवस भीलवाड़ा के 3 साहित्यकार रविकांत सनादिया, शशि ओझा एवं नरेंद्र वर्मा नरेन को एक शाम माँ के नाम कार्यक्रम में गोल्ड मेडल उत्तरीय एवं सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। माँ पर लिखी पूरे देश से आई 48,000 रचनाओं में से 1,11,000 रचनाओं को छाट कर इनका 3 माह तक मूल्यांकन करके 1,111 रचना इस सम्मान हेतु चयनित की गई। शाहपुरा में सिंधी समाज की ओर से पूज्य सिंधी पंचायत शाहपुरा के तत्वाधान में इस बार भी 23 मार्च गुरुवार को आराध्य भगवान झूलेलाल की स्तुति में चेटीचंद महोत्सव का आयोजन होगा। अध्यक्ष लक्ष्मण पेशवानी ने बताया कि 22 मार्च को 4:30 से 7 बजे बच्चों की सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता झूलेलाल मंदिर दिलखुश बाग में होगी। यह आयोजन झूलेलाल महिला मंडल के संयोजन में होगा। पेशवानी ने बताया कि 23 मार्च गुरुवार को प्रातः 9 बजे सिंधी समाज के नवयुवकों व महिला मंडल द्वारा वाहन रैली निकाली जाएगी, जो दिलखुशाल बाग से झूलेलाल मंदिर से रवाना होकर बालाजी की छतरी, सदर बाजार, कुंड गेट, सिंधी कॉलोनी, भीलवाड़ा रोड, बस स्टैंड, कलीजिंग रेड, बालाजी की छतरी होकर पुनः झूलेलाल मंदिर पर संपन्न होगी। रैली में पुरुष के लिए ड्रेस कोड सफेद रंग का कुर्ता, पायजामा या सफेद शर्ट ही पहनकर आएं। 4:30 बजे दिलकुश बाग स्थित झूलेलाल मंदिर में झंडारोहण, भजन कीर्तन, सत्संग, प्रसाद वितरण व छेज तथा पूज्य बहराना साहब का आयोजन होगा। इस प्रकार 6:30 बजे झूलेलाल मंदिर से पूज्य बहराना साहब अखंड ज्योति की शोभा यात्रा डीजे साउंड के साथ प्रारंभ होगी, जो बालाजी की छतरी, सदर बाजार, कुंड गेट होकर संत कंवर राम धर्मशाला के पास स्थित पीवनिया तालाब पर समाप्त होगी। जुलूस में सिंधी समाज के महिला पुरुष नाचते व भजन करते ज्योति का विसर्जन करेंगे। रात्रि 8 बजे संत कंवर राम धर्मशाला पीवनिया तालाब के पास में आम भंडारा का आयोजन होगा। महासचिव मोहनलाल केवलानी ने बताया कि 23 मार्च को सिंधी समाज के सभी प्रतिष्ठान चेटीचंद के मौके पर बंद रहेंगे तथा सभी लोग झूलेलाल मंदिर में आयोजित सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भीलवाड़ा BSL में 11वां रक्तदान शिविर के लिए आज रक्तदान जन जागृति अभियान के तहत आज एक रक्तदान पोस्टर का विमोचन संस्था के डायरेक्टर ऑपरेशन प्रवीण जैन के करंग अमलों से संपन्न किया। संस्था के सहायक महाप्रबंधक रामदयाल जाट ने बताया कि पीड़ित मानव को जीवन में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर समय पर रक्त उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर रक्तदान जारी रहना चाहिए। युवाओं, सभी कर्मचारियों एवं सभी श्रमिकों का आह्वान किया और उक्त शिविर में ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर शिविर को सफल बनाने का आग्रह किया। उक्त पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में
संस्था के वाइस प्रेसिडेंट परमजीत फोगाट, ओपी जांगिड, एमएस खीडिया, जनरल मैनेजर संजय त्रिपाठी, मनोज गर्ग एवं सभी विभाग के प्रमुख एवं रक्तवीर विक्रम दादी जो उपस्थित रहे। जीतो महिला विंग भीलवाड़ा की वाइस चेयरमैन जयवंती अजमेरा द्वारा 2 अप्रैल को आयोजित होने वाली 3, 5 एवं 10 किलोमीटर की अहिंसा मैराथन दौड़ के पोस्टर का विमोचन पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू से उनके कुमुद विहार आवास पर करवाया गया। जाजू ने जीतो चैप्टर द्वारा किए जा रहे मैराथन दौड़ के कार्यक्रम की सराहना करते हुए प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निजात एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ को उपयोगी बताते हुए इसकी सराहना की। जाजू ने लोगों से इस मैराथन दौड़ में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। के अवसर पर ओम मारू, अलका मारू, कृष्णा लड्डा, प्रशिता जाजू मौजूद थी। जीतो चैप्टर भीलवाड़ा लेडीज विंग द्वारा मैराथन दौड़ का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आज के प्रदूषण भरे भागम पेल के युग में, बढ़ते शहरीकरण में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जीतो चैप्टर एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। इस मैराथन दौड़ से सबको सम्मिलित होना चाहिए। मैं इस मैराथन के लिए जीतो चैप्टर के सभी पदाधिकारी सदस्यों को शुभकामना देता हूं और लोगों को आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस मैराथन दौड़ में शामिल हो ताकि ये कार्यक्रम सफल हो सके। हमीरगढ़ इको पार्क में विश्व वानिकी दिवस पर मंगलवार को विद्यार्थियों के भ्रमण के दौरान आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए नगरपालिका चेयरमैन रेखा परिहार ने कहा कि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा मनुष्य के जीवन की सुरक्षा है। खेद की बात है कि भौतिकता की अंधी दौड़ में इन बातों को भूलते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप वन्य जीवों की सुरक्षा आज विश्वव्यापी चुनौती बनके खड़ी है। इसके लिए आज की पीढ़ी को जन आंदोलन के रूप में इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। गोष्ठी को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी भंवरलाल बारोट ने विद्यार्थियों को इको पार्क के वन्य जीव एवं पेड़ की जानकारी देते हुए प्रत्येक बच्चे को अपने जन्मदिन पर इको पार्क में एक पौधा अवश्य लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा इसके लिए गड्ढा एवं पौधे को इको पार्क पौधाशाला के उपलब्ध से गोष्ठी को संबोधित करते हुए पीपल फॉर एनिमल्स प्रतिनिधि सत्यनारायण व्यास ने हमीरगढ़ इको पार्क सुरक्षा हेतु आसपास के गाँव की जन भागीदारी सराहना की एवं जिले के एकमात्र लवकुश वाटिका इको पार्क क्षेत्र में वन विभाग द्वारा विकसित की जाने की योजना की जानकारी दी। इसके तहत लक्ष्मण झूला एवं जिनपिंग एवं मृग वन बनाए जाने के प्रस्ताव की जानकारी दी। गोष्ठी में सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, रघुकुल अकेडमी एवं गौतम पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी एवं शिक्षकगण, पर्यावरण प्रेमी सहकर्मी ने भाग लिया। गोष्ठी से पूर्व सभी विद्यार्थियों ने वॉचिंग टावर, सनसेट पॉइंट, कैप्टिंग साइट का भ्रमण करते हुए वन कर्मी देवकिशन दरोका, हरिशंकर विश्नोई, प्रमोद सिंह के नेतृत्व में वन्य जीवों एवं पेड़ पौधों की जानकारी हासिल की। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।